आप तो जानते हैं कि एप्पल के आईफोन SE 3 की लॉन्चिंग को लेकर बहुत समय से अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन एप्पल ने इंतजार को लेकर इस सभी अटकलों को अब खत्म कर दिया है, क्योंकि बीते 8 मार्च को दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल ने अपने साल 2022 के पीक परफॉर्मेंस इवेंट पर नए आईफोन एप्पल आईफोन SE 2022 या यह कह लीजिए आईफोन SE 3 5G मॉडल लॉन्च कर दिया है। यह एक मच अवेटेड फोन है जिसका इंतजार ग्राहकों को काफी समय से है, क्योंकि यह 5G कनेक्टिविटी से लैस सबसे किफायती स्मार्टफोन होने वाला है, जो ग्राहकों के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है। इस मॉडल को आखिर किस चिपसेट के साथ उतारा गया है और इस मॉडल में क्या क्या खूबियां हैं, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। ऐसे तो एप्पल इवेंट में कई सारे डिवाइसेस की लॉन्चिंग हुई है, लेकिन जिस डिवाइस ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी वह है सस्ता आईफोन SE 2022। आईफोन SE 2022 का लंबे समय से इंतजार हो रहा था, क्योंकि आईफोन के टॉप मॉडल को खरीदना हर किसी के बजट में तो फिट नहीं होता है। ऐसे में आईफोन का यह मॉडल बहुत सारे लोगों के लिए सुनहरा मौका है। इतना ही नहीं, कंपनी ने इसमें ऐसे ऐसे दमदार फीचर दिए हैं जो इस स्मार्टफोन को एक बेहतरीन ऑप्शन बनाता है। आईफोन SE 2022 कंपनी के आईफोन SE 2020 का ही अपग्रेड वर्जन कहा जा रहा है, हम कह भी सकते हैं क्योंकि ऐसा ही लुक है। अपग्रेड एक्सपीरियंस की बात करें तो लेटेस्ट स्मार्टफोन बेहतर 5G कनेक्टिविटी के साथ उतारा गया है। आगे मैं बताऊंगा ही कि आईफोन SE 2022 की कीमत कितनी होगी और फीचर कौन कौन से होंगे। डिस्प्ले की बात करें तो फोन में 4.7 इंच का रेटिना HD डिस्प्ले दिया गया, जिसके ऊपर टफेस्ट ग्लास का प्रोटेक्शन है, और कंपनी का दावा है कि फोन के बैक में भी वैसा ही ग्लास है। मतलब फोन के फ्रंट और बैक में स्मार्टफोन में इस्तेमाल होने वाला सबसे टफ ग्लास का इस्तेमाल हुआ है। कोई भी स्मार्टफोन में कैमरा मेन चीज होता है, तो कैमरा सेटअप की बात करें तो फोन के बैक पैनल पर 12 MP का सिंगल रियल कैमरा दिया गया, जिसका अपर्चर f1.8 है। इसके साथ वाइड एंगल भी है, लेकिन इस नए मॉडल में इम्प्रूव्ड विजुअल प्रोसेसिंग भी देखने को मिलेगी। रियल कैमरा डीप फ्यूजन और 60 फ्रेम पर सेकेंड पर 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकती है, और स्टिल शॉट के लिए स्मार्ट HDR4 भी दिया गया है। इस फोन में iPhone 13 सीरीज कैमरा वाले फीचर्स जैसे स्मार्ट HDR4, फोटोग्राफी का स्टाइल, डीप फ्यूजन और पोर्ट्रेट मोड जैसे फीचर भी आता है। सेल्फी के लिए फोन में फर्स्ट टाइम HD कैमरा है जो काफी अच्छा पिक्चर लेती है। इसके अलावा इसमें फोटो एडिटिंग टूल भी है। स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए A15 बायोनिक चिपसेट का इस्तेमाल हुआ है। याद दिला दे कि इसी प्रोसेसर का इस्तेमाल कंपनी ने आईफोन 13 प्रो और आईफोन 13 में भी किया था, जो आईफोन 13 सीरीज का है फोन है। यह लेटेस्ट स्मार्टफोन बेहतर 5G कनेक्टिविटी के साथ उतारा गया है। कनेक्टिविटी के लिए फोन में ब्लूटूथ वर्जन 5, वाईफाई 5, 4G वोल्टी, GPS, AGPS, NFC और लाइटिंग पोर्ट भी दिया गया है। इस स्मार्टफोन में एप्पल का लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम iOS 15 भी दिया गया है, जो आपके स्मार्टफोन के यूजिंग एक्सपीरियंस को काफ़ी बढ़िया कर देगा। कंपनी का दावा है कि नए आईफोन SE 5G में आपको बेहतर बैटरी लाइफ मिलेगी। इसमें 5G कनेक्टिविटी के साथ पहले के मुकाबले लंबी बैटरी लाइफ दी गई है। इतना ही नहीं, बता दें कि नया मॉडल वाटर रेसिस्टेंट के लिए IP67 सर्टिफाइड है। फोन में लाइव टेस्ट फीचर भी ग्राहकों की सुविधा के लिए दिया गया है, जो 13 सीरीज के फोन में रहती थी, लेकिन पिछले मॉडल की तरह इस लेटेस्ट मॉडल में भी टच ID बटन दिया गया है, जिसमें सिक्योरिटी के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर मौजूद है। स्मार्टफोन फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, लेकिन बॉक्स में आपको चार्जर नहीं मिलेगी। एप्पल ने आईफोन SE 5G को अमेरिका में $429 लगभग 33,000 रुपये की कीमत पर लॉन्च किया है। यह कीमत डिवाइस के 64GB वेरिएंट की है, हालांकि भारत में इसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा है। भारत में आईफोन SE मॉडल की कीमत 43,900 रुपये से शुरू होगी, जो आईफोन SE 2022 के लॉन्च प्राइस से ज़्यादा है। ये कीमत फ़ोन के 64GB स्टोरेज वेरिएंट का है। फ़ोन केवल 64GB ही नहीं बल्कि 128GB एंड 256GB वेरिएंट में भी आएगा। भारत में प्री ऑर्डर बुकिंग इसी शुक्रवार यानी 11 मार्च से शुरू हो गई है, और 18 मार्च से हैंडसेट को उपलब्ध करा दिया जाएगा। अमेजन भारत में इसकी शिपिंग 19 मार्च से शुरू कर देगी।
आईफोन एस ई 3 तीन कलर मिडनाइट, स्टार नाइट और प्रोडक्ट रेड में खरीदा जा सकेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ते रहे। इसको शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और नए नए गैजेट और मोबाइल की जानकारी आप हमेशा चाहते रहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए गैजेट के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। जय हिंद।